आगे का दोहा है, जो हमें दोहे देखे उनमें से आगे का प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाई, जे कहूं मांगन जाई, उनते पहले वे मुए, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहीं, जिन मुख निकसत नाहीं। इसका अर्थ हम लोगों ने देखा, आगे का प्रसिद्ध दोहा है, बड़ माया को दोष यह, बड़ माया को दोष यह, जो कब हूँ घटी जाए, जो कब हूँ घटी जाए, तो रहीम गरीबो भलो, तो रहीम गरीबो भलो, दुख सही जी भलाए, दुख सही जियो बलाए। यहाँ पर रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताते हैं, धनी आदमी के गरीब हो जाने पर बहुत तकलीफ होती है, इससे तो गरीबी अच्छी है जो समस्त दुख सहकर भी वह जी लेता है, सांसारिक माया से मोह करना ठीक नहीं। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य के जीवन में अगर पैसा आ जाता है, धन संपत्ति आ जाती है, और उसके बाद अगर फिर से लौट कर उसके जीवन में अगर गरीबी आ जाए, वह अगर उसके जीवन से संपत्ति खो दे, तो फिर उसके लिए वह गरीबी का जीवन बहुत ही तकलीफ वाला हो जाता है, उसको उस बात की बहुत बहुत त्रास, बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। इसलिए रहीम जी कहते हैं इससे तो गरीब रहना ही बेहतर है, क्योंकि गरीब रहने से कोई भी समस्या आए उसका सामना करने की आदत उसको पड़ जाती है, फिर ये छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी छोटी विपदाओं को डरता नहीं। लेकिन अगर धनवान व्यक्ति अचानक से गरीब बन जाए तो उसको वह तकलीफें, वह समस्याएं, इनका सामना करना उसको बहुत मुश्किल जाता है और वह उस बातों से डर जाता है। इसलिए अमीर से गरीब होना ही बेहतर, ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से समझाते हैं। क्या दे दूंगा, देखा था, तो उपलब्ध करो ना, सभी लोग पैसे खरीद कर ना, कुछ दस बारह के बॉक्स लगे बेन के बुद्ध भरे चार गई चिंता मिटी, चार गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, जिनको कछु न चाहिए, वे साहन के साह, वे साहन के साह। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, जिनको कछु न चाहिए, वे साहन के साह, जिसकी इच्छा मिट गई। अर्थात कबीर जी यहाँ, रहीम जी इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर बताते हैं कि जिसकी इच्छा मिट गई हो और चिंताएं समाप्त हो गई हो,
जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए और जिसके मन में कोई फिक्र न हो, वस्तुतः वही राजाओं का राजा शहंशाह है। जिसके इच्छा मिट गई, चिंताएं समाप्त हो गई, जिन्हें कुछ भी आप जीवन में प्राप्त नहीं करना है, जिसके मन में कोई फिक्र न, वस्तुतः जिस व्यक्ति के मन में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई वह काम नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो वस्तुतः अगर हम देखें तो वही व्यक्ति इस संसार जीवन में राजा है, जो राजा की तरह जीवन जी सकता है। जिसके जीवन में कुछ मकसद है, जिसके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, जिसके जीवन में कुछ फिक्र है, जिसके जीवन में कुछ चिंता है, वह व्यक्ति हमेशा ही चिंता में होता है, उसका जीवन बदतर हो जाता है, नर्क के समान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन से चिंता को मिटा देता है, बेपरवाह हो जाता है, फिक्रों को छोड़ देता है, अपने जीवन में कोई मकसद नहीं रखता है, अर्थात उसके जीवन में ना पॉजिटिव ना नेगेटिव दोनों भी बातें जो व्यक्ति छोड़ देता है, असल में वही व्यक्ति राजा की तरह जीवन जीता है। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। आगे का दोहा है, खैर खून खांसी, खैर खून खांसी, खुशी बैर प्रीति, खुशी बैर प्रीति, मदपान मदपान, रहीमन दाबे न दबे, रहीमन दाबे न दबे, जानत सकल जहान, जानत सकल जहान। अर्थात रहीम जी कहते हैं, खैर खून खांसी, खुशी बैर प्रीति मदपान, खैर खून खांसी, खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे न दबे, जानत सकल जहान। अर्थात कुशलता, खैर मतलब कुशलता, खैरियत हत्या, खांसी खुशी, दुश्मनी प्रेम और शराब का पीना छिपाए नहीं छिपते, सारा संसार इन्हें जान जाता है। अगर आपके जीवन में ये सब बातें आती है और आप इन बातों से गुजरते हैं, तो रहीम जी का कहना है कि ये बातें न छुपने वाली है। खैर अर्थात कुशलता, आपके जीवन की अगर कोई कुशलता है, अच्छा जीवन चल रहा है, तो ये बात भी छुपती नहीं है। उसके साथ अगर आपकी अच्छी खैरियत है, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, तो ये भी बात नहीं छुपती है। उसी के साथ अगर किसी की हत्या हो जाती है, वो चाहे आप कितनी भी छुपा लो, कहीं भी जाके दबा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वह हत्या सामने आ ही जाती है। उसी प्रकार किसी से अगर आपकी दुश्मनी है, तो आप भले ही आपके चेहरे पर ना दिखाए, आप उसको छुपाने का प्रयास करें, आप उसको दूर रखने का प्रयास करें, लेकिन वो दुश्मनी भी समाज के सामने, संसार के सामने आ जाती है। उसी प्रकार प्रीति, जो प्रेम है, वो प्रेम भी आप छुपा नहीं पाते, वो प्रेम समाज के सामने, संसार के सामने एक ना एक दिन, आज ना कल, वो संसार के सामने आ ही जाता है। उसी प्रकार मद्यपान, अगर किसी को शराब पीने की लत लग जाती है, अगर आप मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, तो शराब पीने वाली की वो लत भी किसी से छुप नहीं पाती, वह शराब पिया हुआ व्यक्ति भी समाज के सामने एक ना एक दिन कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। रहीमन दाबे न दबे, जाना सकल जहान। आप चाहे वो व्यक्ति, रहीमन मतलब वो व्यक्ति, वो मनुष्य, आप चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करें, आप चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करें, आप चाहे कितना भी उसे दूर भागे, लेकिन वह आपका पीछा नहीं छोड़ती, वह आप छुपा नहीं सकते हैं। समाज के सकल जहान, सभी समाज के सामने आने से आप उसको छुपा नहीं सकते, वह एक ना एक दिन समाज के सामने आ ही जाती है। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझाते हैं।